हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के M62 के बारे में, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। उसकी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी। तो चलिए इन्हें वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इस वीडियो को तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल करो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सैमसंग की जो एम सीरीज़ है ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है, और काफ़ी एक अच्छे स्मार्टफोन होते हैं एम सीरीज़ के, और काफ़ी प्राइस को ध्यान में रखते हुए प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो होता है, और कंपटीशन वो रियल में काफ़ी अच्छा कंपटीशन करते हैं दूसरे स्मार्टफोन्स कंपनी के साथ में, जो शाओमी रियलमी। अगर किसी को सैमसंग के स्मार्टफोन पसंद है तो एम सीरीज़ की तरफ जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पर एक सैमसंग का अभी F62 आया था, लेकिन अभी M62 भी आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उस फ़ोन के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको लगभग F62 वाला ही देखने को मिलेगा, जैसे कि M51 है, ये ऐसे ही आपको M62 वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा और प्लास्टिक फ्रेम ही देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस की पंच होल डिस्प्ले, जिसको सैमसंग इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले बोलता है, वो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में 6.7 इंच की। तो ओवरऑल स्क्रीन, वैसे तो हम सभी को पता है कि सैमसंग की स्क्रीन रियल में काफ़ी दमदार होती है, ज़बरदस्त होती है, तो सैमसंग की स्क्रीन ओ डिस्प्ले के साथ में अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के कुछ और की हाईलाइट्स की। तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स 25 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। अब लीक्स तो कुछ आ रहे हैं कि यहाँ पर 6000 mAh की, कुछ आ रहे हैं 7000 mAh की। अब देखने वाली बात रहेगी, शायद से अभी सैमसंग के शायद मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, वहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है 25 वोल्ट चार्जर के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है सैमसंग की तरफ से, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर, और ये स्मार्टफोन आपको One UI 3 के साथ में देखने को मिलेगा। जो सैमसंग का UI है, तो ओवरऑल काफ़ी एक प्राइवेसी से रिलेटेड और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है सैमसंग के इस UI के साथ में। तो बेसिकली ये चीज़ें तो हो गई आपको की हाईलाइट्स की। यहाँ पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, जो सैमसंग ने डिच नहीं किया है। तो अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करूँ मैं कैमराज़ की, तो प्रोसेसर की बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं कैमराज़ की बात करूँ तो कैमराज यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 64 MP का मेन सेंसर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 MP के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल जो स्मार्टफोन का कैमरा होता है सैमसंग का, वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी की जाती है, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एक एनहेंस वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी देखने को मिलेगी सैमसंग के कैमराज के अंदर। और फ्रंट में आपको 20 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जिससे आप काफ़ी एक बेहतरीन फोटोज़ ले पाओगे नाइट के अंदर भी और डे के अंदर भी। तो यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग तक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और दोनों ही कैमराज में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिससे आप वीडियोज़ को बहुत स्मूथ तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे, ज़्यादा शेकीनेस देखने को नहीं मिलेगी कैमराज के अंदर। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आती है फ़ोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको अभी कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का, ये 5G फ़ोन होने वाला है बेसिकली, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस हमें पता है कि किस टाइप का देखने को मिलता है। वैसे सैमसंग ने अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था M51, जिसके अंदर आपको 730G देखने को मिलता था। तो यहाँ पर अगर सैमसंग 750G के साथ में आ जाता तो काफ़ी बेहतरीन पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है ये, और 5G टेक्नोलॉजी के साथ में। और यहाँ पर कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि सैमसंग शायद इस स्मार्टफोन को अपने एक्जिनोज के 5G चिपसेट के साथ में भी लॉन्च कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कौन से चिपसेट के साथ में आता है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि सैमसंग को स्नैपड्रैगन के साथ में ये वाला फ़ोन लेकर आना चाहिए, या फिर एक्जिनोज के साथ में ये वाला फ़ोन लेकर आना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस की, तो ये वाला फ़ोन शायद से आपको अंडर 25,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर इतने प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग का स्मार्टफोन इतने पावरफुल फीचर्स के साथ में आ जाता है, बढ़िया बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग, सुपर एमोलेड स्क्रीन एंड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड
ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इतना 5G स्मार्टफोन होगा और साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन के साथ में, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा इन सभी फीचर्स के साथ में। अगर 25,000 के अंडर ये फ़ोन आ जाता है, 8GB 128GB या फिर 6GB 128GB भी, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तगड़ा जो कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा आपको इन स्मार्टफोन कंपनीज के अंदर। और ये फ़ोन रिलीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग आपको अप्रैल के महीने में इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आप अपने विचार बताना इस कमेंट सेक्शन के अंदर स्मार्टफोन के बारे में, आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन कितनी प्राइस रेंज में होना चाहिए और किस किस फीचर के साथ में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है सैमसंग के एम सीरीज़ के M62 डिवाइस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।